देखिए मुनीम जी, मुझे काम करने दीजिए, मेरा दिमाग मत चाटिए। मैं यहाँ डैम के लिए जगह तलाश करने आया हूँ, बेकार लोगों की बेकार जमीनें बिकवाने नहीं आया। क्या रे इंजीनियर बाबू, अगर तुमने शेर सिंह की बात नहीं मानी तो तुम्हारी नौकरी गोदावरी हो जाएगी। मिस्टर नारायण दास गोपाल दास, अगर आपने बकवास बंद नहीं की तो मैं आपको भिलाई भेजकर, वहाँ की लोहा पिघलाने की भट्टी में डलवा कर, जमशेदपुर बनाकर टाटा नगर में फिकवा दूंगा। मेरी नकल करते हो? मैं गोदावरी की बात करता हूँ, तुम भिलाई की बात करते हो? ये कोट पैंट क्या पहन लिया, अपने आप को राजकोट समझ बैठे? हमसे उलझोगे तो हम तुम्हारा पठानकोट बना देंगे, याद रखना। अगर तुम यहाँ थोड़ी देर भी और ठहरे तो मैं तुम्हें कश्मीर से भगा कर, जम्मू में गिरा कर, दिल्ली में उठा कर, भोपाल में घुमा कर, मद्रास में नचा कर, कन्याकुमारी में ठोकर मारकर लंका के समुन्द्र में फेंक दूंगा। अब जाते हो या सरकार? वो इंजीनियर तो बड़ा ही अकड़ा हुआ बांबू निकला, वो छाछ शरबत के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, और अगर हमने कोई जबरदस्ती की तो हमारा ही छाछ बनाकर हमें ही पिला के निकल जाएगा। नारायण दास, तुम्हारा नाम नारायण दास के बजाय गदेदास होना चाहिए था। सही वक्त पर सही राग अलापा करो और मौका देख के मंत्र पढ़ा करो। अगर कोई पंडित शादी के मंडप में अर्थी का मंत्र पढ़ने लगे, जानते हो लोग क्या करेंगे? उसे मार मार के मुर्दे के साथ कफन में लपेट कर उसे चिता में जला देंगे। सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ा करो। मैं वहाँ धंधे की बात करने गया था या मंत्र पढ़ने गया था? यही कमी है ना तुम में। अगर तुम सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ सकते तो आज हम नौकर और तुम मालिक होते। हाँ ये तो सही। अब देखो, सही मंत्र पढ़ के हम उस इंजीनियर को किस तरह अंजीर बनाते हैं। सरकार, हम लोग बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं और वो इंजीनियर का बच्चा गांव वालों के लिए भगवान बनता जा रहा है, राम का अवतार बनता जा रहा है। अरे उसका कुछ कीजिए, वरना वो अवतार हम लोगों पर तार काट डालेगा। देखते जाओ मुनीम, हम भी ऐसी चाल चलेंगे कि यही गांव वाले उसके मुंह पे थूकेंगे। अरे मगर कैसे? बड़ा आसान तरीका है। हम गांव वालों को इस बात का एहसास दिला देंगे कि रवि राम के भेष में रावण है। जिस तरह उसका बाप औरतों का शौकीन था, उसी तरह बेटा भी औरतों का शौकीन है। औरत देखता है मुंह से राल टपकने लगती, और जैसे गांव वालों ने बहुत साल पहले उसके बाप को धक्के देके जलील करके गांव से बाहर निकाल दिया था ना, वैसे ही वो बेटे को भी जलील करके बाहर निकाल देंगे। मेनका यहाँ से कुछ दूर रहती है, उसकी खूबसूरत बेटी लीला वही ये काम करेगी। तो समझ गई लीला, तुम्हें क्या लीला दिखानी है? हाँ जी। बरसों पहले तुम्हारी माँ ने अपनी कलाकारी से रवि के बाप को बदनाम किया था, अब तुम्हें रवि को बदनाम करना है। अगर तुम पुश दर पुश यही काम करती रही तो तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरी शब्दों से लिखा जाएगा। ये मर्दों का सत्यानाश करने वाली बहादुर औरतें। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे भी अगले जन्म में औरत बनाकर इन्हीं के खानदान में पैदा करना। लेकिन अगर इस काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा नंगा पर्वत बना डालूंगा। क्या बना डालूंगा? नंगा पर्वत। चलो, यही वो हरामजादा जो जीप में आ रहा है, इसका जामनगर बना डालो। तुम्हारा काम है सिर्फ आदमी बताना, उसका जामनगर बनाना या श्रीनगर बनाना वो मेरा काम है। अब हटो। बाबूजी जीप रोको। बाबूजी, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। अगर आप अपनी जीप में बिठाकर उन्हें अस्पताल तक ले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ है तुम्हारा घर? वो उधर। आइए आइए बाबूजी, जल्दी आइए ना। आइए बाबूजी। अब इज्जतपुर का फालूदा पुर बनाता हूँ। जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना उस गांव का नाम रामनगर की जगह पापनगर हो जाए। क्या? अरे वो अपना इंजीनियर रवि है ना, सारा गांव भगवान का अवतार समझता है। हाँ? वो शैतान का अवतार निकला। क्या कह रहे हो मुनीम? हाँ, वो एक औरत के साथ उसके मकान में अकेला घुस गया। मुनीम ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो उससे राखी बनवाने के लिए गया हो। राखी बनवाने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? क्या उससे कपड़े उतार दिए? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने घर को बाहर से ताला भी लगाया, ये उसकी चाबी है। मुनीम अगर ये बात सच निकली, हम उस इंजीनियर को जूते मारकर अपने गांव से निकाल देंगे। क्यों मेरे इज्जतदार भाई हो? अरे ओ राम के अवतार का ढोंग करने वाले ढोंगी, बाहर आ, गांव की पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया। थू 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 थू, शराफत की वर्दियों में कैसे कैसे बेईमानों ने शरीर अपने छुपा रखे, इससे कहो बाहर आए। चले इंजीनियर, बाहर आ।
तेरी शराबत का भाखड़ा नंगल डैम फूट चुका है क्योंकि उसमें बेईमानी का सीमेंट मिला हुआ था। चल बाहर आ रहे और उस बुलबुल को भी लेकर आ जिसके साथ में खटमंडू बना रहा था। क्या बात है भाई, बहुत लंबा चौड़ा जुलूस लेकर आई। ये तुम्हारा जुलूस निकाला है। चल 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 नाटक बंद कर, उस बुलबुल को बाहर बुला जिसके साथ गुलचर्रे उड़ा रहा था तू। बुलाओ? हाँ हाँ, जब ये कहते हैं तो बुलाओ। ठीक है, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो बुला। अरे भाई बाहर आ जाओ। ये अंदर तो लीला की थी, वापसी में रामलीला कहाँ से आ गई? ठाकुर साहब, ये क्या तमाशा है? अपनी बेटी को रवि के साथ इस घर में बंद कर दिया, अब हम सबको दिखाने के लिए यहाँ बुला लाया। ये बहुत गंदी बात है, एक बात के लिए इससे गिरा हुआ मजाक और नहीं हो सकता। चलो भाइयों चलो। कुत्ते, गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे। एक मिनट, जानवरों के नाम बाद में गिराना, मैं जरा इनसे एक मिनट निपट लूं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कैसे मतलब? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं यहाँ कुछ देर ऐसे ही बातें करने के लिए आई थी। बाद में जब जीप में रवि आया, उसके अंदर आते ही तुम बाहर से ताला लगाकर भाग गए। मैं चिल्लाती रही, मुनीम अंकल मुनीम अंकल, और तुमने मुझे देखा, मेरी आवाज सुनी, फिर भी भाग गए। क्यों? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? डैडी को सारे गांव में बदनाम करने के लिए? छी 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 छी, अब डैडी गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? बंदूक जी? नहीं मालिक, आपको विजयवाड़ा की कसम, आपको पटियाला की कसम, आपको मध्य प्रदेश की कसम, आपको उत्तर प्रदेश की कसम। खामोश, बंद कर तेरा पटियाला, विजयवाड़ा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेरे सारे गांव खत्म हो चुके हैं। नहीं, अब मैं तुझे सोनापुर बनाऊंगा। सोनापुर समझता है गधे की औलाद? सोनापुर बनाऊंगा। अरे नहीं, सोने लग जाएगा। हम हो वायु बंद, हवाओं को मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ। वाह 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 वाह, भाग के बंद, शब्दों के बहाव को रोक सकता हूँ। ठीक बंद, पृथ्वी के गोले के घुमाव को रोक सकता हूँ। केवल मनोरंजन के लिए, दिल बहलाने के लिए, सर्वनाश फैलाने के लिए नहीं। वाह 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 वाह, अति उत्तम, सर्वोत्तम। भाइयों, बहनों, माताओं और पिताओं, ये हैं नेपाल के महान जादूगर। युवा जनों, तुम धरती की ताकत हो तो कदम आगे आ जाओ, आओ। अरे बुढ़ो, तुम जिंदगी की हिमाकत हो तो कदम पीछे हट जाओ। चलो इंगरी गुरु, जनता जो चाहती है वो दिखाएं, या हम जो चाहते हैं वो जनता को दिखाएं? गुरु, जनता हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं। ए बुढ़े, सीधे खड़ा रहे। जनता की तो देव पाड़ी है, जनता जो चाहती है भट्टारे वही दिखाओ। का के कू के की को की। गुरु, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं उनके सिरों पर टोपियां पहना दो। अब देखो, आम फट। गुरु, और क्या दिखाऊं रे? गुरु, इन सबके वस्त्र हरण कर दो, इनके कपड़े गायब करके इनको नंगा कर दो। हमारा काम नंगों को कपड़े पहनाना है, कपड़े उतार कर नंगे बनाना नहीं है। मांग कुछ और मांग। दादा डीडी डूडू, गुरु, इस पत्थर की मूर्ति को सचमुच की नारी बना दो और इस जनता का दिल बहला दो। सी पटाक डम डम, अरे घन घटाके घन घन, नाकचक भवचक हाची हाची शुशुरी लिगे 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 हम तांत्रिक मामा, यांत्रिक चाचा, मुझ में से ये औरत का रूप बाहर निकालिए, मुझे अंदर बहुत तकलीफ हो रही है। आइंदा जो शब्द मुंह से निकालेगा वो बुद्धि में डुबा के निकालेगा ना? हाँ जरूर डुबा के निकालूंगा, लेकिन मेरे अंदर जो औरत डूबी हुई है उसे तो बाहर निकालिए मेरे बाप, मुझे फिर से वही शूरवीर बनाइए। पछता रहा है इसीलिए रूप लौटा रहा हूँ, वरना सारा जीवन घुंघरू बांध के यही नाचता रहता। राजबंधु, आपको तो उसी तरह औरत के ही रूप में रहना चाहिए था। क्यों, हम पर नियत आ गई थी क्या तुम्हारी? ची 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 ची। आपके ग्रह कह
रहे हैं कि अगर आप गर्भवती हो जाते तो आपके भाग खुल जाते। भाग खुल जाते? अब मैं भी तुम दोनों के भाग खोलता हूँ। सिपाहियों, गिरफ्तार करके ले जाओ उन दोनों को। ले जाओ इन्हें। राजबंधु दया, राजबंधु दया हो। ये सारी जनता हमारी भक्त जन है, पूछो इन्हें क्या उपहार चाहिए, हम पेश कर तालू। ये अक्षय पात्र है, सागर में उतना पानी नहीं निकलेगा जितना इसमें से माल निकलेगा। काके की कुकु, इस बुढ़े नाना के दांत ही नहीं है, इसको केला खिलाओ तो जाने। मतलब केला नहीं है रे? नहीं है। नहीं है ना? नहीं। प्रेम, 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 बिना दांतों के मुंह को केला चाहिए। आम फट। चबा हुआ केला खा लो, मुंह खोलो। खुदा भादा भीमू याके भट्टारे, इस प्यारी दुलारी को कुमकुम की डिबिया दो। द्रोम, प्रेम, द्रोम, कुमकुम की डिबिया चाहिए। आम फट। कुमकुम की डिबिया। जमा कीजिए मंत्रिक जी, आपकी शक्ति को मैं दंडक प्रणाम करता हूँ, लेकिन केला और कुमकुम की डिबिया तो छोटी सी चीजें हैं, ऐसा जादू तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। अगर आप सच्चे जादूगर हैं, तो आप मुझे सोने की अशर्फियां दीजिए, तब मैं आपको मानूंगा कि आप कमाल के जादूगर हैं। दीजिए ना। क्रेम, सोने की मोहरे चाहिए। आम फट। पूजा बाबू की मुगा के मुझे हीरे चाहिए। की के काके कुकू तेते, मुझे मोती चाहिए। काका कुकू मोटा तई तई टूटू, मुझे सोने की मोहरे चाहिए। इस लोटे में क्या टटोल रहा है डिंबक? इस जो निकलता है हमारी मांत्रिक शक्ति से निकलता है डिंबक। सच? और तेरे मन में क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तूने राजकुमारी से प्रेम किया, राजा ने कहा तेरे पास क्या है? महिला, दौलत ला, नौकर ला, चाकर ला, पालकी ला, तब हम अपनी सपुत्री का हाथ तेरे हाथ में देंगे। सस्ता मतलब? सत्य है नरे? बिल्कुल सच है। और तू क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानते हैं। साहसी, हिम्मत वाला, सच्चाई के रास्ते पे चढ़तालू, और हमने ऐसे ही सज्जनों की सेवा करने के लिए इस नटनुमा संसार में जन्म लिया है। सच्चों का तुम्हें पुजारी नरे। तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, मगर उस मार्ग पे खतरांग है डिंबक। क्या उस रास्ते पे तू अपनी हिम्मत, अपना साहस दिखा सकता है रिडिंबक? जरूर जरूर दिखाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगा। आम्हा, आम्हा, शाबाश बुगलातीन, अस्तफरीन डिंबक। बहादुरी तेरा हिस्सा है तो उसके फल खाना मेरा हिस्सा है। चल कदम बढ़ा, जय पाताल भैरवी।